तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पनीर के कबाब, जिनका नाम है चांदनी कबाब भी आप कह सकते हैं और डायमंड कबाब भी कह सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए, डायमंड कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पनीर ले लिया है। पनीर की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं अगर आपको ज्यादा कबाब बनाने हैं। तो सबसे पहले आपको पनीर को ग्रेट कर लेना है। मैं इसको कद्दूकस कर लूंगी। और पनीर अगर आपके घर पे अवेलेबल नहीं है और आपका मन कर रहा है कि आप फटाफट ऐसे कबाब बना ले, तो आप मेरी वीडियो पनीर की देख सकती हैं आई बटन क्लिक करके। होममेड पनीर आप कैसे फटाफट बनाएं वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने पनीर को ग्रेट कर लिया है बहुत ही अच्छे से। अब आपको क्या करना है, मेरे 250 ग्राम पनीर है तो मैं उसमें 100 ग्राम रोस्टेड बेसन ले रही हूँ। आपको बस इसी तरह से क्वांटिटी को घटाना और बढ़ाना है। और ये फ्रेश क्रीम है हमारी 2 टेबल स्पून। आप फ्रेश मलाई भी ले सकते हैं। और ये है हमारे पास फ्रेश हरा धनिया और ग्रीन मिर्च, चिली मिर्च और पुदीने का पेस्ट है हमारे पास। ये हमारा फुल टेबल स्पून एक है, 1 टेबल स्पून छोटा टेबल स्पून वो मैं ले रही हूँ इलायची पाउडर, ग्रीन वाली इलायची है उसका पाउडर है ये। और ये है ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट है, नमक, और नमक तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करेंगे। और 1 टेबल स्पून से कुछ ज्यादा ये बटर है। अब जितने इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं आपको इनको मिक्स कर लेना है पनीर के साथ और एक डो तैयार करना है। आपको इसमें पानी का या दूध का किसी का भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मैंने फ्रेश क्रीम है और पनीर बेसन इनका मैंने इस्तेमाल किया है, तो इससे ही डो तैयार हो जाएगा आपका। अब आपको इसमें क्या करना है, 1 टेबल स्पून आपको ऑयल ऐड कर लेना है डो तैयार होने के बाद, और फिर से एक बार गूंद लेना है। अब आपको क्या करना है, इसमें मैं थोड़ी सी चॉप्ड की हुई प्याज ऐड कर रही हूँ। आपको जैसे पता है कि हर कबाब में थोड़ा सी प्याज, कच्ची प्याज जरूर ऐड करते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं ये ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर दें। चलिए तो मिला देते हैं। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है अगर हमारी वीडियो, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब तो कर दें हमारे चैनल को। और हाँ एक बात और, आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और आप मेरी वीडियो को शेयर जरूर करिए और लाइक जरूर करिए। चलिए तो ये कबाब का डो तैयार हो चुका है, इसको शेप दे देते हैं कबाब का। अब आपको हाथों पे ऑयल लगा लेना है इस तरह से और शेप देना है। आप देख सकते हैं मैंने इसको शेप दे दिया है राउंड शेप में, आप जिस शेप में बनाना चाहेंगे आपको बना सकते हैं। चलिए तो इसी तरह, तो आप देख सकते हैं मैंने ये शेप दे दी है कबाब के। चलिए तो इनको फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने पैन ले लिया है जैसा कि आपको पता है, और पैन में मैंने ऑयल ले लिया है। आप घी भी ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं, तो ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। तो चलिए आप इनको फ्राई कर लेते हैं, ये हमारे डायमंड और चांदनी कबाब। आपको डीप फ्राई नहीं करना है, आपको पहले हाई फ्लेम रखनी है फिर आपको लो फ्लेम कर देनी है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये शाही चीज है, ये व्हाइट चीज है, इसका नाम भी डायमंड और चांदनी कबाब है, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी नहीं होने वाले हैं लेकिन शाही होने वाले हैं। चलिए तो फटाफट इसको, इसकी साइड हम चेंज कर देते हैं। तो देख सकते हैं आप, मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है, फिर से आपको कुक करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये हमारे डायमंड कबाब बनके तैयार हो चुके हैं, रेडी है। चलिए इनको मैं सर्व कर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने डायमंड कबाब को सर्व कर लिया है प्लेट में, और इसको मैंने थोड़ा सा गार्निश कर दिया है इस काजू से। अगर आपके पास अवेलेबल है काजू तो आप लगा लें, तो बहुत ही शाही लुक आएगा इसका। और ये मैंने ले लिया है मायो, आप देख सकते हैं मायो के साथ इसको सर्व करेंगे बहुत ही मजा आएगा। और ये हमारी है पिज्जा सॉस, इसके साथ भी आप सर्व करेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। इन दोनों की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप आई बटन क्लिक करेंगे तो। चलिए तो आप अपने घर पे इसको एक बार ट्राई जरूर करिए और मुझे बताइए जरूर आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करिए फैमिली और फ्रेंड्स में, और लाइक करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और जो बेल है उस पर क्लिक करें तो आपको मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक।
चलिए तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मैं फिर मिलती हूँ।